पूरे 2 दिन के बाद अब भी सुकून का सांस मिला है, जब हाथ में ना गर्मा गर्म चाय आया है। यार इस ठंडे के टाइम में ना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यार आज का सीन ना बहुत ही मस्त रखा है। फिलहाल पता है क्या, मैं ना आज जल्दी सुबह सुबह ना बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ। फिलहाल अभी ना 6:30 हो रहे हैं, और पता है साढ़े सात हो रहे हैं। और पता है क्या, 7:30 बजे ना इतना मस्त वाला मौसम कर रखा है ना, पता है बाहर ना छत पे कोई नहीं है, मतलब किसी और के छत पे वो लोगों में से कोई नहीं है। पूरा मतलब पूरा एरिया ना सूना सूना सा लग रहा है एकदम। मतलब सुबह के 7:30 बजे कुछ ऐसा माहौल है ना कि मतलब अलग ही टाइप का एकदम माहौल है। बट ना ये घंटे बाद 8:30-9 बजे तक ना सब अपने अपने छत पे आ जाएंगे धूप सेकने। फिलहाल ना अभी हल्का हल्का धूप निकल चुका है और नीचे में इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ यार। जैसे ही मैं उठा मैंने देखा यार कितना बज रहा है, मैंने टाइम मतलब पहले ना मैंने टाइम देखा ही नहीं। उसके बाद मैंने सोचा ना चल टाइम देखते हैं यार कितना बज रहा है, मोबाइल तो चार्ज में लगा था। उठ के टाइम देख रहा हूँ यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, 6:30 बजे मैं उठ गया और फिलहाल अभी 7:30 बज रहे हैं ना, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी 1 घंटे बाद। मस्त ब्रश व्रश कर लिया मैंने उसके बाद। और आज पता है इतना जल्दी ना मैं क्यों उठ गया, क्योंकि ना मुझे ना उठ के मोटर चालू करना था, क्योंकि यार कल का जो पानी का टेंशन था ना उसके वजह से आज जल्दी जल्दी उठ के मस्त फटाफट से मोटर चालू कर लिए। उसके बाद ना मस्त ब्रश व्रश कर लिया, फिर सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं अब। तो हाँ अभी फ़िलहाल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया है, बट समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या बोलूँ इसमें, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। बट इतना समझ में आ रहा है कि भाई सुबह 7:30 बजे का सीन कुछ बहुत ही अलग सा होता है यहाँ पर, बहुत ही अलग। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी ना मस्त फटाफट से चलते हैं नीचे और रजाई के अंदर ही रहते हैं, यार ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। फिलहाल ना चिकू भी उठ चुका है और मस्त वाला ब्रश कर रहा है, ठीक है। और पता है क्या, टंकी ने भर चुका था, इसके वजह से ना पूरा छत पे पानी पानी हो गया और चिकू फुल मूड में है मस्ती करने के। तो अभी ना फिलहाल वो ब्रश कर लेगा, उसके बाद हम दोनों मस्ती करेंगे। तो पता है क्या, मुझे तो लगा ना चिकू छत पे मस्ती करने वाला है ब्रश करने के बाद, बट पता है ये ना ये देखिए इधर मस्त लेट के और टीवी देखने लगा यार, मतलब हद हो रखा है इसका भी। और ये टीवी चालू किया तो भैया भी अभी उठ गए, नहीं तो भैया तो मस्त सोए थे। ये एकदम मतलब गजब है, मैं डिसाइड करता हूँ कुछ और करने का, ये कुछ और करने लगता है। मतलब एक्सपेक्टेशन भी एक चीज़ होता है यार, एक्सपेक्ट किया था ना कि ये ब्रश करने के बाद छत पे खेलेगा घूमेगा पूरा मस्ती करेगा, बट ये तो आके टीवी देखने लगा। ठीक है यार इसको टीवी देखने लग देते हैं। और पता है क्या, मैं ना अपना मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ, एकदम डिस्चार्ज हुआ पड़ा है। फिलहाल अपना नाश्ता आ चुका है, पराठा और भुजिया, तो बस फटाफट से नाश्ता करते हैं। और इसने तो कर भी लिया। फिलहाल ना अभी हो चुके हैं 12:00 PM, ठीक है। और पता है क्या, भैया ना मस्त उठे और उठ के मस्त मतलब नहा धो के नाश्ता वास्ता करके और निकल गए यार अपनी कंपनी में। मतलब बोल रहे हैं ना, मैंने बोला कि भैया मैं भी चल रहा हूँ, बोले कि बाबू अपना गाड़ी ले आते हैं उसके बाद चलना। जैसे ना उनका गाड़ी सर्विसिंग में गया हुआ था ना, इस वजह से थोड़ा ऑड लगता है ना दूसरे के गाड़ी में जाना। तो ठीक है यार, जब भैया अपने गाड़ी लेके आ जाएंगे तब हम चलेंगे। फिलहाल हम भी चलते हैं नहाने धोने, बट उससे पहले चीकू को उठा लेते हैं क्योंकि उसको भी अभी पकड़। यार इसको पता है क्या, मैं ना कब से कह रहा हूँ कि नहाने चल नहाने चल, ये ना मस्त टीवी देखने में ही मगन है, ठीक है। बट अब नहीं, अब इसको उठा के ही मारेंगे। नहाने चल। तो गाइस यार मैंने इसे उठा तो लिया, अभी बस चलते हैं फटाफट से नहाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। फिलहाल ना मस्त अपना नहाना धोना तो हो चुका। और पता है क्या, मैं ना जब तक नहा रहा था मैंने चिकू को बोला मैं निकल रहा हूँ ना, कि लगे हाथ तू भी नहा ले, बट वो नहा ही नहीं रहा यार, बोल रहा है ठंड लग रहा है। और रियली यार ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी तो जैसे धूप आ गया ना, बट जिस पानी से नहाए वो पानी बहुत ज़्यादा ठंड था यार। तो हाँ फटाफट से अभी चलते हैं, ये जो कपड़े हैं ये अभी ना धूप में डाल रहे हैं, तो चलते हैं छत पे, कपड़े भी धूप में डाल देंगे और कुछ देर ना अभी धूप में रहेंगे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। जाओ जल्दी नहा के आओ, देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तब जा रहा है नहाने, जल्दी से जाओ नहा के आओ। और छत पे आना, छत पे पानी वहाँ बाथरूम में, हाँ बाथरूम से ले लो। तो हाँ अभी फटाफट से चलते हैं छत पे, कपड़े भी डाल देते हैं धूप में और कुछ देर ना धूप में ही रहेंगे यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है नीचे में। तो फिलहाल ना मैंने सारे कपड़े छत पे डाल दिए और मैं भी अभी छत पे ही हूँ, क्योंकि ना यार छत पे आने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और पता है क्या, नीचे में ना इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था और ऊपर से ना जिस पानी से मैंने आया वो पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा था ना मैं क्या बताऊँ। और पता है क्या, कल ना मेरे मतलब इस घर के ना सामने वाले घर पे बच्चे खेल रहे थे, आज ना इस घर के पीछे वाले घर पे बच्चे खेल रहे हैं। मतलब ना छत पे कभी भी आ जाओ मतलब बच्चे खेलते हुए मिल ही जाएंगे, सुबह को छोड़ के मतलब दोपहर में शाम में बच्चे खेलते हुए
में मिल ही जाएंगे। तो ठीक है यार, बच्चे जो खेलते हैं ना उन लोगों से ना थोड़ा सा माहौल जो है ना वो खुशनुमा सा रहता है, और ना मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को खेलता देख रहा हूँ ना, तो मुझे भी मतलब देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी हम भी ना ऐसे ही छोटे थे तो हम भी ऐसे खेला करते थे। तो अभी फ़िलहाल मैं 1-2 घंटे तक तो छत से नीचे जाने वाला ही नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे ठंड लग रहा है यार। तो ठीक है यार, अभी फ़िलहाल मस्त छत पे ही रहते हैं और थोड़ा मोड़ा मोबाइल चलाते हैं यार, और क्या। फ़िलहाल पता है क्या, अभी ना 3:30 हो चुके हैं और मैं तब से लेके अभी तक ना मतलब 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं छत पे ही था। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे और देखते हैं ना चीकू क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीकू अभी तक ना नहाया नहीं होगा। तो ये तो इधर ही है यार, ये तो इधर ही है, ओए नहाया नहीं अभी तक। मेरा गेस सही निकला, ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये अभी तक ना नहाया नहीं होगा। और पता है क्या, ये ना अभी तक टीवी ही देख रहा था लगातार यार। मतलब ना मैं अभी छत पे से आने लगा ना, तब आप देख सकते हैं खुद से ही टीवी बंद कर रहा है ये, ठीक है। मुझे देख के इतना ज़्यादा इसका ये रह गया कि मुझे देखने के बाद ना टीवी बंद किया इसने, कि अब आ रहे हैं तो अब डांटेंगे। तो यार इसका तो एकदम मतलब हद हो रखा है, बट अब नहीं हो रखेगा आज, क्योंकि अब इसको लेके चलना है और फटाफट से नहलवाना है। तो यार फटाफट से नहा लेना, फिर भैया डांटेंगे। चलो नहाओ, फटाफट से नहाओ, चलो। इसका इतना गजब है ना ये, मतलब नहाने के नाम से कोसों दूर भागता है। तो ठीक है यार, फटाफट से इसको अभी नहलवाते हैं और अब भी टीवी बंद रहेगा। फिलहाल ना मस्त अपना खाना पीना हो चुका है, और पता है क्या, खाना पीना खाने के बाद ना हम अभी दुकान चले गए थे, सारा घर का सामान लाना था ना, ग्रोसरीज ये सब, तो सारा सामान लेके तो आ गए। अभी शाम के टाइम में आप देख सकते हैं यार इतना मस्त वाला सीन हो रखा है, और ना अपने अपने छत पर कोई भी अपने छत पर नहीं है, बस ना अभी हम ही अपने छत पे हैं। और ना साइड वाले कॉलोनी में ना, जैसे ये हम लोगों का जो कॉलोनी है ना, सोसाइटी है, इसके ना साइड वाले सोसाइटी में ना कुछ भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी का ना अच्छा खासा आवाज़ आ रहा है इस साइड। और तो और ये हमारा जो हीरो है, आज ना दिन भर टीवी देखा है, दिन भर मस्ती किया है, और पता है क्या, मैंने इतना बोला बट दिन में एक बार भी नहीं नहाया इतना बोलता रहा मैं, फिर ना शाम हो गया, इसकी वजह से ना मैं भी डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अब नहीं ना आयो तो मत ही ना हो आज, अब कल डायरेक्ट ना आएगा। तो ये बिना नहाया हुआ लड़का हो गया है आज। और पता है क्या, इसको ना इतना ज़्यादा मस्ती चढ़ा, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मतलब ना मुझे ना थोड़ा सा ये लगता है जैसे मैं छत पे आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, अगल बगल में ना आंटी जी लोग हैं, कोई दीदी लोग हैं, वो लोग ना डायरेक्टली निकलती हैं और देखते रहती हैं यार ये क्या बोल रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लगता है, ठीक है, इसी वजह से ना मैं ना देख लेता हूँ पहले, छत पे चढ़ने के बाद ना पूरा देख लेता हूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। सो अभी फ़िलहाल कोई नहीं देख रहा है, तो ठीक है यार कोई बात नहीं है। फिलहाल ना ये डांस ही कर रहा है और हम अभी छत पे अपना मस्ती करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे और इसको दबा के मारेंगे, इसको दबा के मारेंगे। तो ठीक है यार, फिलहाल मस्त मस्ती करते हैं, और आप लोग तो देख ही रहे हैं किस तरह से मैं मस्ती कर रहा हूँ, और इसका भाई लेवल ही अलग है, इसका मस्ती का ना लेवल एकदम अलग है। फिलहाल पता है क्या, यहाँ पे गुजरात में ना अभी से ही यार, मतलब अभी 14 जनवरी आने में ना मतलब है 10 दिन बाकी नहीं यार, मुझे लगता है 8 दिन बाकी है, ठीक है। और पता है क्या, अभी से ही पतंग का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, इस साइड में भी, फिर ना इस साइड में भी पूरा, मतलब अभी शाम को ना अच्छा खासा पतंग उड़ाया जा रहा था, और कल ना यहाँ घर के सामने वाले घर से ही ना एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, वो तो आप लोग देखी। सो अभी ना मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, एक दो पतंग ना हर जगह पर आपको उड़ता हुआ दिख ही जाएगा यहाँ पर। अभी ना मतलब 14 जनवरी से पहले ये पतंग का जो कार्यक्रम होता है ना, ये पूरा मस्त होता है, मतलब ना सब प्रैक्टिस अपना जोरों शोरों से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी भी ना उस साइड में एक उड़ रहा है और एक दो ना इस साइड में भी उड़ रहा है, बट इधर वाले ना नीचे चले गए, बट उधर वाला अभी भी एक उड़ ही रहा है। मेरा बैड लक, उधर वाला भी नीचे चला गया, गजब है यार। मतलब मैं ना जब वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाने जाता हूँ तभी ये गायब हो जाते हैं, और अभी एक और बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ना वो कोशिश पूरा कर रहा है उड़ाने का, बट उससे ना उड़ ही नहीं रहा ढंग से यार। तो ठीक है यार, फिलहाल ना अभी पतंग के अच्छे खासे अवसर, मतलब अवसर ही होता है ना, अवसर पर हम यहाँ आए ही हैं, तो भाई पतंग का तो कार्यक्रम देखना बनता है बॉस। तो अभी ना मेरे पीछे एक छोटा सा नन्हा सा मस्त सा पतंग है, आप देख सकते हैं, ये पतंग से कम नहीं है, ये हवा के जैसा ही है, ये हवा चलेगा ना, ये किधर भी उड़ जाता है। तो ठीक है यार, अभी ना हम इसे ही उड़ाते हैं, इसे उड़ा उड़ा के लेते हैं, देखिएगा इसे ना एक हाथ से उड़ाने वाला सिस्टम। तो ठीक है यार, अभी फिलहाल मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, और अभी ना मस्त से चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी ना हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है, तो नीचे चलने में ही ठीक है, मस्त चलते हैं नीचे और चालू करते हैं टीवी। ओए टीवी के नाम पर हमें हंस तो दो, टीवी के नाम पर हंस। चल 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 यार, मैंने ना टीवी चालू किया और इसका एक्साइटमेंट देखिए, मतलब टीवी देखने के लिए ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है। नॉट टेक केयर, नहीं 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 बंद करने जा रहा है, नहीं बंद करने के नाम पर शांत हो गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है यार, किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ये देखिए फिर से एक्साइटेड है।
ठीक है अभी ना टीवी चालू करने देते हैं और लाइक करते हैं। पूरे दो दिन के बाद अब भी सुकून का सांस मिला है जब हाथ में ना गर्मा गर्म चाय आया। यार इस ठंडे के टाइम में ना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, इसको देखिए अपना बाल संवारने में, मतलब यार इसको ना हर समय स्टाइल मारने में ही थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास होता है। तो हाँ अभी ना मैंने और चिकू ने दोनों ने मस्त गर्मा गर्म चाय ले लिया है, तो वैसे यार फटाफट से गर्मा गर्म चाय पीते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है फिलहाल ना। मस्त चाय वाय तो पी लिए। और पता है क्या, अभी ना 8 बज चुका है और अपना फेवरेट एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा मस्त अपना टीवी पे चल रहा है। तो हाँ अभी ना मैं फटाफट से ब्लॉग एंड करने वाला हूँ, क्योंकि पता है क्या, तारक मेहता देखते देखते ना चिकू सो गया यार, और इसको देखते देखते ना मुझे भी हल्का हल्का नींद आने लगा है। बट ना अभी मुझे बहुत सारे काम है, फटाफट से ब्लॉग एंड करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, बहुत सारे काम है, और तारक मेहता का एपिसोड मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो इसको भी पूरा देखना है। और हाँ आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका जो मर्जी करिए यार, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तारक मेहता देखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। क्या एक्साइटमेंट देखिए, मतलब टीवी देखने के लिए ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा मस्ती करता है।